हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन की घटना घटित होती है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश अपने वास्तविक सातों मूल रंग में बट जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण वॉयलेट कलर यानी बैंगनी रंग का होता है। न्यूनतम वर्ण विक्षेपण रेड कलर यानी लाल रंग का होता है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश सात रंगों के मेल से बना होता है। वर्ण क्रम में पाए जाने वाले सात रंगों का क्रम इस प्रकार है: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अंग्रेजी में इन्हें रंग के प्रथम अक्षरों से बने शब्द विपग्योर द्वारा प्रकट करते हैं। हिंदी में रंगों का क्रम याद रखने के लिए बेनी आह पिनाला शब्द का उपयोग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, अतः इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और इस कारण इसका विचलन सबसे अधिक होगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, अतः इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा और इस कारण इसका विचलन भी सबसे कम होगा। अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष यानी रेनबो की। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंद्रधनुष यानी रेनबो है। इंद्रधनुष सात रंग दिखाता है। ये सात रंग है: बैंगनी यानी वॉयलेट, नीला यानी इंडिगो, आसमानी यानी ब्लू, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, नारंगी यानी ऑरेंज तथा लाल यानी रेड। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो एंड सेकंड है सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रेनबो की। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन व एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो में रेड कलर बाहर की ओर और वॉयलेट कलर अंदर की ओर होता है। सेकंड है सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन व दो बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष यानी सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट कलर बाहर की ओर और रेड कलर अंदर की ओर होता है। सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।